हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। परिचय। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान थे। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक, पत्रकार और भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन और माता का नाम आलिया मोहम्मद खैरुद्दीन था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम महीउद्दीन था। शिक्षा। अबुल कलाम आजाद जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही की थी। उनका दिमाग काफ़ी तेज था और उनकी पढ़ने में बहुत अधिक रुचि थी। कम उम्र में ही उन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, गणित विषयों का ज्ञान और उर्दू, अंग्रेजी, पारसी, बंगाली आदि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था। विवाह। 13 वर्ष की कम उम्र में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का विवाह जुलेखा बेगम से हुआ था। योगदान। अबुल जी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। मुसलमानों में राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार करने के लिए उन्होंने सन 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का प्रकाशन किया था। अबुल जी महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम, जिसे सन 1957 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कई संस्थानों की स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम जी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया। उनके जन्मदिवस 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निधन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का निधन 22 फरवरी 1958 को हुआ था। पुरस्कार। अबुल कलाम आज़ाद जी ने देश की उन्नति और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत सन 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपसंहार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए। वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें हमेशा उन पर गर्व रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।